मैं सभी पानीपत ग्रामीण के अपने साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये वो पानीपत है जिस पानीपत से देश का इतिहास लिखा जाता है। आज इस पानीपत ग्रामीण ने हरियाणा के भविष्य को लिखने का काम किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये और हमारा नारा हरियाणा माने हिसाब भाजपा के केंद्र सरकार के गृह मंत्री आए अमित शाह और उन्होंने कहा कि किस बात का हिसाब हम मांगेंगे हिसाब, ये बोल रहे थे। 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा महंगाई, हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा नशा, हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा अपराध। विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा और उसके बाद भी हम हिसाब ना मांगे। गरीब आदमियों को पोर्टल में और आईडीओ में उलझा दिया इन्होंने और फिर भी हम हिसाब ना मांगे। मैं कहना चाहता हूँ केंद्रीय गृह मंत्री पर भारतीय जनता पार्टी को, मैं कहना चाहता हूँ यो हरियाणा है प्रधान। 10 साल के बाद इतनी दुर्दशा क्यों हुई हमारे प्रदेश की? हर व्यक्ति को धक्के खाने पे क्यों मजबूर कर दिया आपने? हर वर्ग पे क्यों लाठियां बरसी? छोटे स्कूली बच्चों से लेकर हमारी बेटियों तक जिनको जंतर मंतर पर घसीटा गया, किसानों से लेकर कर्मचारियों और सरपंचों तक जिस पर लाठियां बरसाई गई, आशा वर्कर आंगनवाड़ी से लेकर और आरतीयों तक हर व्यक्ति को आपने मजबूर कर दिया सड़क पे आने के लिए और हर को आपने लाठियों को हर को जवाब लाठियों से देने का काम किया। अब तो हिसाब देना पड़ेगा आपको। करनाल से जो हमने शुरू किया तो अभियान था, इस अभियान का नाम था हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। जब ये हम पहुंचे यमुनानगर और अम्बाला तो उस अभियान से आंदोलन बन गया। जब सोनीपत होते हुए राय होते हुए जब पानीपत ग्रामीण में आए तो ये आंदोलन से जन आंदोलन बन गया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज हरियाणा के नौजवान के भविष्य को इतने गर्त में धकेल दिया इन्होंने। आज जो नौजवान हरियाणा का शिक्षा और खेल की तरफ आगे बढ़ता था, आज वो बेरोजगारी से कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं नशे की तरफ, कहीं विदेश में पलायन की तरफ अपना घर बार बेचकर और कहीं अपराध की तरफ, अपराध देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में हो गया, ऐसी स्थिति बन गई। गरीब आदमी के आज मैं देख रहा था कॉलोनी के कॉलोनियों के अंदर बहुतों से मैंने बात करी, परिवार पहचान पत्र जो कि परमानेंट परेशानी पत्र बन गए, किसी को उससे किसी का राशन कट कट गया, किसी को प्रॉपर्टी आईडी से जो भ्रष्टाचार है केंद्र बन गया। मैं पूछना चाहता हूँ, कल कह रहे थे कि हिसाब नहीं मांगे, आप हिसाब तो देना पड़ेगा, आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। विकास देखना है बीजेपी का, इस सरकार का विकास देखना है तो सनोली रोड पे जाके देखो, विकास दिख जाएगा बीजेपी का, दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा। आप कॉलोनी के अंदर, कॉलोनियों के अंदर आप मरती है जीवन देखिए, आपको विकास दिख जाएगा 10 साल की सरकार का। आप यहाँ पे सड़कों की हालत देखो, पीने के पानी की व्यवस्था देखो, पानी की सप्लाई देखो, सीवरेज की स्थिति देखो, सफाई की स्थिति देखो, हर गरीब आदमी के हकों को पोर्टल से उलझा हुआ देखो, आपको हरियाणा की सच्चाई समझ में आ जाएगी। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल की इनकी सरकार के बाद इनसे हिसाब हम लें कि नहीं लें? आपसे पूछना, हरियाणा इनसे हिसाब मांगे कि नहीं मांगे? भाजपा सरकार हिसाब दो, भाजपा सरकार हिसाब दो। कांग्रेस पार्टी ही हरियाणा प्रदेश को दोबारा खुशहाली, तरक्की, विकास, भाईचारे और प्रगति के रास्ते पे लेके आ सकती है। और हम संकल्प करते हैं कि ये संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक हरियाणा में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा और गरीब आदमी की सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से ही है आस, कांग्रेस आएगी देश में। आज कांग्रेस पार्टी आते ही देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन, 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी आएगी, गरीब आदमी और जरूरतमंद जो आज महंगाई से जूझ रहे हैं, 300 यूनिट बिजली, कांग्रेस पार्टी 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का, राहत देने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी आएगी इन सारी कॉलोनीज के लिए, सारी जो आईडी और पोर्टल का जंजाल है, जन विरोधी पोर्टल और जन विरोधी आइडिया जाएंगी और कांग्रेस पार्टी आएगी। मैं कहना चाहता हूँ हमारा संकल्प है, हरियाणा को आगे लेके जाएंगे आपके आशीर्वाद से। सारे हमारे संकल्पों का आपको पता है, उनको आगे लेके जाएंगे। आपने देखा लोकसभा चुनाव में, मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका। देश में सबसे ज्यादा विपक्ष का अगर वोट शेयर कहीं आया
मत प्रतिशत आया तो 47.6% कहीं आया तो वो हरियाणा के अंदर आया। आप सब में हर सीट पर हमारा मत प्रतिशत बहुत बड़ा, देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत ही नहीं, 5 सांसद ही नहीं आए, भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत मिला, भाजपा से ज्यादा विधानसभा में हमें बढ़त मिली। ये तो लोकसभा की बात थी। मैं एक बार आज एक और चुनौती देना चाहता हूँ। बीजेपी वाले कह रहे थे हम कांग्रेस से हिसाब लेंगे, मैं कांग्रेस की तरफ से और मैं हरियाणा के वासियों की तरफ से हिसाब देना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव में भाजपा वालों हरियाणा की जनता ने आपको किया था हार, विधानसभा चुनाव में कर देंगे सत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।